ब्यावर जिले के नवनियुक्त विशेष अधिकारी पुलिस IPS नरेंद्र सिंह ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण किया। विशेष अधिकारी नरेंद्र सिंह के ब्यावर CO कार्यालय पहुंचने पर सहायक पुलिस उपाधीक्षक मनीष चौधरी तथा सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने उनकी अगवानी की। इस दौरान नवनियुक्त विशेष अधिकारी को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया, जिसके बाद IPS नरेंद्र सिंह ने ब्यावर जिले के पहले IPS विशेष अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक मनीष चौधरी ने उनको पदभार ग्रहण करवाया। विशेष अधिकारी नरेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपराधों पर नियंत्रण करना फिर कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ये जीरो टॉलरेंट नीति के मुताबिक काम करना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। सिंह ने कहा कि जो ही सरकार द्वारा जिले की अधिसूचना जारी की जाती है उसके अनुरूप कार्यशैली में तेजी लाकर कार्य किया जाएगा। नफरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिले में करीब 700 पुलिस जवानों की जरूरत होती है, जिसके लिए अधिसूचना जारी होने के बाद व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भर्तियां की जा रही है। सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आमजन से जुड़कर ही व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है। इसके पश्चात सिंह ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि आधारभूत आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है। जिले की अधिसूचना जारी होने से पहले सभी तरह की सुविधाएं जुटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि जिले की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिला पुलिस का कार्य विधिवत रूप से शुरू किया जा सके। तैनात किया गया है तो सबसे जो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो जिले का क्रियान्वयन शुरू में होते तो बहुत सारी आपको रिसोर्सेज बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो सबसे पहली तो प्राथमिकता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन होती है तो तत्काल हम जो है इसको एक जिले के रूप में कार्यरत कर पाएँ। और दूसरी जो हमारी पुलिस की प्राथमिकता रहती है अपराध नियंत्रण, ठीक है, शांति व्यवस्था, नागरिकों की जान माल की सुरक्षा, वो तो हमेशा से रहेगी, वो प्राथमिकता में हमेशा सम्मिलित रही है। और पुलिस मुख्यालय द्वारा जो समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं तो उनके अनुरूप अधिकाधिक अच्छी कार्रवाई करके जो नवगठित जिला है इसमें एक अच्छी कानून व्यवस्था हम देने का प्रयास कर रहे हैं। कानून व्यवस्था या अपराध नियंत्रण के लिए जागरूक नागरिकों का सहयोग हमेशा से आवश्यक रहता है। जहाँ जहाँ आमजन में जागरूक नागरिकजन में प्रशासन में पुलिस में सामंजस्य है तो वहाँ पे अमूमन जो है अच्छी व्यवस्था स्थापित हो पाती है। तो मैं पहले यहाँ प्रस्थापित रहा हूँ, आपसे काफ़ी लोगों से परिचित हूँ, कुछ यहाँ की जो टोपोग्राफी है उससे भी परिचित हूँ। तो हमारा ये रहेगा प्रयास कि अधिक अधिक से अधिक आमजन से जुड़ के उनका सहयोग दिया जा करके एक हम अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास करें। काफ़ी है, ये एक स्थान विशेष की समस्या नहीं, पूरे आपके राजस्थान में ये जो है हमेशा से कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन रिटायरमेंट होते रहते हैं, पोस्ट बढ़ती रहती हैं। तो ये राज्य सरकार के द्वारा इस पर जो है पूर्ति करने के लिए भर्तियाँ की जा रही हैं, अभी कुछ ट्रेनिंग चल रही हैं, कुछ आ जाएंगे। तो पुलिस मुख्यालय द्वारा जो यहाँ का स्केल होगा, अमूमन जो नया जिला बनता है तो उसमें प्रारंभ में जो है आपको थाने अलावा के अलावा 700-800 की नौकरी जो है आवंटित होती है। तो कैसे पूर्ति होती है विचार विमर्श के उच्च अधिकारी से निर्देश लेकर के हम उस पर आगे करें। ब्यावर जिला